नीतीश कुमार को शासन बाबू कहलाना पसंद है। वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि वो ट्रिपल सी यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। नमस्कार, मैं हिमांशी कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। नीतीश कुमार ने शासन की छवि गढ़ी है और ये वो दौर था 2005 से 10 का, जब वो तमाम आईएएस अधिकारियों और बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ विजिलेंस का छापा मरवाते थे और जब उनके पास आय से अधिक संपत्ति पाई जाती थी तब उनके आवास को बकायदा जब्त कर लिया जाता था और उसमें बच्चों के लिए विद्यालय खोला जाता था। और उस वक्त से कहीं ना कहीं कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद नीतीश कुमार ने शासन की छवि को गढ़ लिया। लेकिन वक्त के साथ अब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब उसी करप्शन में डूबे हुए पाए गए हैं। लेकिन जब अब नीतीश कुमार चारों तरफ से घिर गए हैं, जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है, एक बार फिर से वो उस छवि को जिंदा करना चाहते हैं। और इसी को देखते हुए आपको बता दें कि पुल निर्माण निगम के इंजीनियर राजकिशोर के यहाँ बकायदा विजिलेंस डिपार्टमेंट का छापा पड़ा है और आज ये छापा पड़ा है और बकायदा इसमें 70 लाख से अधिक कैश की बरामदगी हुई है, लाखों की ज्वेलरी का पता चला है, बड़े पैमाने पर चल अचल संपत्ति का भी पता चला है। इतने मात्रा में नोट पाए जा रहे हैं कि बकायदा नोट गिनती करने की मशीन मंगवाई गई है और इस वक्त लगातार छापा चल रहा है। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कहा है कि शाम तक आधिकारिक तौर पर बता दिया जाएगा कि आखिर कितने संपत्ति का पता चला है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब एक इंजीनियर के पास इतने पैसे पाए गए तो उसके समकक्ष में और जितने इंजीनियर होंगे क्या उनके यहाँ छापा पड़ेगा, क्या उनके सीनियर अधिकारियों के यहाँ छापा पड़ेगा, या फिर जो मंत्रालय जिस मंत्री के पास है क्या वो पैसा वहां भी पहुंचता है, इसकी भी जांच होगी। जहां तक आय से अधिक संपत्ति जब्त करने की बात है तो हम आपको एक घटना का याद दिलाना चाहेंगे। 6 जनवरी को आईपीएस ऑफिसर राकेश सिन्हा ने एक पत्र लिखा था और कहा था कि मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग यानी जो शराब पकड़ने का काम करते हैं, जब्त करने का काम करते हैं, उसके जितने भी अधिकारी हैं और उनके रिश्तेदार हैं उनकी संपत्ति का जांच होना चाहिए। लेकिन यह आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 19 जनवरी को उनके इस पत्र को निरस्त कर दिया गया, साथ ही साथ उनका तबादला भी कर दिया गया। ये नीतीश कुमार के इरादे पर और उनके शासन की छवि पर सवाल या निशान खड़ा करता है कि वाकई में अगर नीतीश कुमार ब्लैक इकोनॉमी को खत्म करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि वो शासन बाबू हैं, तो राकेश सिन्हा के उस पत्र को निरस्त क्यों कर दिया गया जो ये दावा कर रहे थे कि मद निषेध एवं उत्पाद विभाग के पुलिस अधिकारी और शराब माफिया के बीच में गठजोड़ है, इसलिए उनके संपत्ति का जांच होना चाहिए। लेकिन बकायदा पुलिस मुख्यालय ने उस पत्र को निरस्त कर दिया। और आपको बता दें कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के अंतर्गत आता है। तो ये वो चीजें हैं जो नीतीश कुमार के इरादों पर और उनके शासन की छवि पर सवाल या निशान खड़ा करता है। और इस सवाल का जवाब जेडीयू को देना चाहिए जो इस बात का बार बार जिक्र करते हैं कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं और वो कभी भी करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।